हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको एनोलिन्स करवाऊंगी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर वन का टॉपिक है। तो इसका नोट्स चाहिए तो मैंने उसका पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करना होता है एंड वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एनोलिन क्या होता है? एक रिंग होती है जो मोनोसाइक्लिक हो, मोनो मतलब वन साइक्लिक रिंग, ठीक है। बाईसाइक्लिक होता है डबल, मोनो होता है सिंगल। तो यहाँ पर मोनोसाइक्लिक रिंग है जिसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnHn। तो यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिंग को, वो कैसे करते हैं? एन एनोलिन, मतलब कितने नंबर ऑफ एनोलिन हैं, मतलब एन में यहाँ पर क्या मैटर करता है? एन इज अ नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन इस रिंग में है। इस रिंग में है फोर, तो ये है फोर एनोलिन। इसमें है सिक्स कार्बन, तो यहाँ पर सिक्स एनोलिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए कंपाउंड है वो ए कंपाउंड को हम साइक्लो ब्यूटा डाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एंटी एरोमेटिक होता है, हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू द रिंग स्ट्रेन। इसमें रिंग स्ट्रेन है जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक होता है एंड इट कैन बी आइसोलेटेड ओनली अंडर द कंट्रोल कंडीशंस, मतलब इसको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस देनी पड़ती है जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल करके आइसोलेट कर सकते हैं। एंड किस वजह से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि एनोलिन्स जो हैं वो एरोमेटिक हैं या एंटी एरोमेटिक हैं या नॉन एरोमेटिक हैं? तो जैसे सिमिलरली हम हक्कर रूल यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर हक्कर रूल में हम हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर हमने कार्बन्स को देखना है। कार्बन हमें यहाँ पर कौन से होने चाहिए? वो ओड होने चाहिए। अगर कार्बन ओड आते हैं तो वो है एरोमेटिक, अगर वो इवन है तो वो है नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर मैंने बाई मिस्टेक इधर ये वाला लिख दिया था, तो आपको अभी मैंने कटिंग करके दोबारा सही करके बता दिया है। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन 4 हैं, m की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 2 है तो मतलब ये क्या है? इवन नंबर में होता है ये वाला डिजिट, तो इवन है तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर जो है वह पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो 6 हैं एंड m कितना है? 3। तो 3 है तो मतलब हमारे पास ये क्या है? एरोमेटिक है, सिंपल। तो ये हक्कर रूल अगर आपको नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर उसको भी एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर जाकर आपको पता चल जाएगा पाई एंड एन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी एनोलिन को कर सकते हैं क्लासिफाई कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। आगे है टेन एनोलिन। टेन एनोलिन है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हमें लगता है कि ये एरोमेटिक है, बट नहीं। सबसे पहले हमें कुछ क्राइटेरियाज को पास करना होता है इसको एरोमेटिक क्लियर करने के लिए, जैसे कि ये साइक्लिक है या पाई ऑर्बिटल्स है या प्लेनर है। तो जैसे मैंने सारा कुछ चेक किया, ये साइक्लिक भी था, पी ऑर्बिटल भी थे, बट प्लेनर नहीं था, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ये है एंटी एरोमेटिक। इसका रीज़न देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं साइक्लिक भी हैं, पी ऑर्बिटल्स भी है, प्लेनर भी है, देन फिर भी ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसने एक क्राइटेरिया पास नहीं किया है। वो क्राइटेरिया इसलिए पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है उसमें रिपल्शन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की रिपल्शन इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक। द सेंट्रल कैविटी इज़ नॉट लार्ज इनफ, यहाँ पर कैविटी भी बहुत छोटी सी है जिसकी वजह से वो इसको, जिसकी वजह से जो प्लेनर नहीं हो पा रहे, प्लेनर नहीं है तो वो ऑटोमेटिक नहीं है। उसके बाद है टेन एनोलिन की तरह 14 एनोलिन है। सिमिलरली इसमें भी यही दिक्कत आई है कि इसमें भी वो सारा क्राइटेरिया पास करते हैं बट इसमें रिपल्शन होती है हाइड्रोजन्स की एंड कैविटी भी इसमें कम होती है जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक माने जाते हैं। अब है 18 एनोलिन। 18 एनोलिन में जो मॉलिक्यूल है उसमें कैविटी लार्ज है जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन्स हैं वो अपने आप को एक प्लेनर कंफर्मेशन में एडजस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से ये एरोमेटिक होते हैं। सो सारे एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक मैंने आपको बता दिया है अकॉर्डिंग टू द एनोलिन्स। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।